पल्लवी पटेल ने उत्तर प्रदेश की सियासत में तीसरा मोर्चा तो बना लिया, लेकिन अभी तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। जी हाँ, इसमें तीन सीटों को लेकर पहले चर्चा थी, फूलपुर, कौशाम्बी और मिर्जापुर, कि इन तीनों सीटों पर पल्लवी पटेल अपने कैंडिडेट उतारना चाहती थी इंडिया अलायंस की मदद से, लेकिन अखिलेश ने साफ उनको अपने आप से दूर कर दिया, गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन फिलहाल अब ये कयास लगाए जा रहा है कि पल्लवी पटेल दो सीटों में से किसी एक सीट को चुन सकती है, जिसमें फूलपुर और मिर्जापुर सीट को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। मिर्जापुर सीट से उतरती है तो उनकी ही बहन अनुप्रिया पटेल उनके लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है, जो कि पिछले दो चुनावों में 2 लाख से अधिक वोटों से हर बार जीतती नजर आई हैं। तो ये बड़ी चुनौती है अनुप्रिया पटेल के रूप में। अगर फूलपुर सीट की तरफ जाती है तो वहां पर भी भाजपा का अच्छा खासा दबदबा है, उस सीट को जीत पाना बहुत मुश्किल रहेगा पल्लवी पटेल के लिए, यानी कि अभी तक पल्लवी पटेल के लिए मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही हैं। अगर इंडिया अलायंस का साथ रहता, सपा कांग्रेस का साथ रहता, तो शायद ये मुश्किलों में थोड़ी बहुत कमी आती, लेकिन और मुश्किलें बढ़ गई। अब ओवैसी, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं का साथ तो पाया है, लेकिन जिन सीटों की हम बात कर रहे हैं वहां पर इन समुदाय के नेताओं का अच्छा खासा प्रभाव देखने को नहीं मिले शायद। लेकिन बात आती है बहन वर्सेस बहन की, कि अगर पल्लवी पटेल अचानक से फैसला ले लेती हैं अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ने का, तो क्या ऐसी स्थिति में पल्लवी पटेल थोड़ा भी पल्ला भारी रख पाएंगी? क्या वहां पर अपना दबदबा दिखा पाएंगी? सवाल बनता है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द के आसपास के क्षेत्रों पर जिस तरीके से पटेल और कुर्मी वोटर्स को लेकर चर्चाएं रहती हैं, वहां अच्छा खासा माहौल बना सकती हैं। भले ही जीत ना पाए, लेकिन हाँ, बड़ी चोट पहुंचा सकती हैं और उससे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को फायदा हो सकता है। लेकिन ऐसे में अनुप्रिया पटेल भी तैयार हैं, आशीष पटेल भी तैयार है और बीजेपी भी तैयार है अगर पल्लवी पटेल ऐसा कुछ फैसला लेती हो तो। लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल की अगर हम बात करें, पिछले दो चुनावों से उनकी पार्टी एनडीए के साथ जुड़ी हुई है और दो दो सीट उन्हें मिल रही है, दोनों सीट जीत रही है, इसके बावजूद इन्होंने इस बार सीट बढ़ाने की बात क्यों नहीं करी? 3 से 5 सीट कम से कम मांगनी चाहिए थी अनुप्रिया पटेल को। इसी वजह से यहाँ पर सवाल खड़ा है। समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये तो बस अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ा रही हैं, अगर बाकी नेताओं की फिक्र होती तो ये सीटों के बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ती, जंग लड़ती। जबकि ओम प्रकाश राजभर की बात करें, उनके पास 6 ही विधायक हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम दूसरी सीट गाजीपुर भी मांग रहे हैं, बीजेपी से अगर दे देंगे तो अच्छी बात है। जबकि 10 से ज्यादा विधायक तो अनुप्रिया पटेल की पार्टी के पास है, लेकिन वो 2 सीट में सिमट कर रह गई। तो सवाल यहां पर बनता है, पल्लवी पटेल ने भी अपनी हक की लड़ाई लड़ी, उन्होंने 3 सीटों की मांग इंडिया अलायंस से करी थी। अगर 1 सीट की मांग करते शायद बात बनती, लेकिन 3 सीटों की मांग कर दी सीधा और उन्होंने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी लगभग कर दिया था। लेकिन अब माहौल देखना दिलचस्प रहेगा कि पल्लवी पटेल किस सीट से चुनावी मैदान में उतरती हैं, जिससे अनुप्रिया पटेल और अखिलेश दोनों के लिए मुसीबत बनती नजर आए। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।